हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी नाइस। चलिए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 12। पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे कि जो इसका ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि डू यू हैव ऑब्जर्व काउ, बुफेलोज, गॉट एंड अदर्स ग्रास ईटिंग एनिमल चिविंग कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग? वाई? इसमें यह बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि जितने ग्रास सिटिंग एनिमल जो होते हैं, जैसे काउ, बुफेलो, ये सब सारे एनिमल जो होते हैं, वो अपने माउथ को कंटिन्यूसली चलाते क्यों रहते हैं, क्या कारण होता है इसका? तो इसमें हम पढ़ेंगे। कारण ये होता है कि जैसे कि जो सेकेंड पॉइंट बताया गया है, ये एनिमल जो होते हैं ग्रास को क्या कर लेते हैं, सेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और निगलने के बाद क्या करते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर? अपने स्टोमक में। उनके स्टोमक को हम क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। तो ग्रास को इन्हें डायरेक्ट लिया मुंह में लेने के बाद ये निगल लेते हैं। निगलने के बाद ये इनके स्टमक, जिसको हम रूमेन बोलते हैं, यह स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे, द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रूमेन में फूड का जो होता है डाइजेशन जो होता है पार्शियली होता है, मतलब आधा आधा, मतलब इसकी अधपचा भोजन होता है, जिसको पूरा पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, आधा डाइजेशन उन फूड का होता है, जिसको हम पार्शियली डाइजेशन बोलते हैं। एंड दे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कॉड। अब जो अधपचे भोजन होते हैं, जिसका डाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता है, उस भोजन को, उस फूड को हम यहाँ पे कॉड बोलते हैं, उस डाइजेशन को हम कॉड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट भी बताया गया है, लेटर ऑन दिस कॉड रिटर्न टू माउथ फ्रॉम रूमेन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो काउ हैं, बुफेलो हैं, अपने माउथ को ग्रास निकलने के बाद चलाते रहते थे। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनके रूमेन से क्या होता है, रूमेन से जो होते हैं उनके फूड जो होते हैं, अन्य डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं, जैसे लंप जो होते हैं, स्मॉल लंप, छोटे छोटे लंप जो होते हैं, उनके रूमेन से मुँह में आ जाते हैं। मुँह में आने के बाद क्या करते हैं, वो उसको चबाते रहते हैं, इसे मुंह को चलाते रहते हैं, जिसके कारण से उनका च्यूइंग अच्छे से होता है। इन द एनिमल्स च्यू इट कंटिन्यूसली एज द कॉम इन द स्मॉल लंप। जो उनके पेट से, जो उनके रूमेन से स्मॉल लंप आते हैं, उसी को वो कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि उनके माउथ हमेशा चलते क्यों रहते हैं, क्योंकि वो लंप्स को चबाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनाइजेशन। इस प्रोसेस को जिसमें वो माउथ को हमेशा चलाते रहते हैं, उसको हम रिमिनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और जो एनिमल, एंड द एनिमल इज रिमिनेट्स, और जो एनिमल इस प्रोसेस को करते हैं, माउथ को चलाते हैं, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गए, इनको, इस एनिमल को हम रिमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके आगे हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज इज अ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सेलुलोज है, जो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यह सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट प्रकार का होता है। ये सेलुलोज होते हैं कार्बोहाइड्रेट टाइप्स प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे आगे सिक्स पॉइंट में, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब जैसा कि आपको हमने यहाँ बताया कि जो ग्रास में जो होता है सेलुलोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, बहुत सारे जो एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन हैं, ये सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, इनका डाइजेशन कैसे होता है, अब जैसे देखिए यहाँ पे, रिमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि जो स्टमक के एनिमल में जो होते हैं, स्टमक के अंदर जो स्टमक के जो पार्ट होते हैं, जहाँ पे इनके ग्रास का स्टोर होता था, उसको हम रूमेन बोलते हैं। अब ये रिमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं, जो कि माउथ को चलाते रहते हैं, जिसको हम रिमिनेंट्स एनिमल बोलते हैं, ये क्या करते हैं, लार्ज सैक स्ट्रक्चर लाइक रूमेन जो होता है, इस रूमेन में क्या करते हैं, एंड इट इज बिटवीन ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यह रूमेन जो होता है ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। तो बीच में होने के कारण क्या होता है,
द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड देयर बाय एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया। और इस रूमेन में रूमेन को इनके बीच में ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होने के कारण इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे डाइजेशन कर लेते हैं, जैसे सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं वो, ठीक है, विच आर नॉट प्रजेंट इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में प्रजेंट नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो एनिमल में प्रजेंट होते हैं रूमेन जो होता है और सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो ह्यूमन में नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन में क्या होते हैं वो बैक्टीरिया प्रजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका डाइजेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप इसमें समझ गए हैं कि एनिमल में जो डाइजेशन होता है कैसे होता है। एनिमल के में जो उनके स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक के अंदर एक रूमेन होता है जहाँ उनका जो लम्ब्स होते हैं स्टोर होते हैं, वो लम्ब्स क्या होते हैं माउथ में आते हैं, और माउथ में आने के बाद वो एनिमल जो होते हैं अपने माउथ को हमेशा चलाते रहते हैं, जिससे उससे क्या होता है डाइजेशन होता है। और वह सेलुलोज वह जो ग्रास होता है सेलुलोज के रूप में जो होता है वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनका डाइजेशन अच्छे से करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।